हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, Xiaomi ने चाइना में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो कि Xiaomi CB1S स्मार्टफोन के नाम से देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन तो पिछले साल लॉन्च किए गए Xiaomi CB स्मार्टफोन का ही अपग्रेड वर्जन है। तो दोस्तों, Xiaomi CB1 स्मार्टफोन की अगर डिज़ाइन की बात किया जाए दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन Xiaomi CB की तरह ही हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आशीष क्रिकेटर AK9 टेक्निकल से, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं दोस्तों कि इस फ़ोन में हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस फोन की डिस्प्ले की। तो यहाँ पे दोस्तों 6.55 इंच का AMOLED डिस्प्ले पैनल के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2400x1080 पिक्सल का दिया गया है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। इस स्मार्टफोन के अगर रिफ्रेश रेट की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, फोन में 10 बिट्स का कलर डेप्थ देखने को जाता है। टच सैम्पलिंग रेट 240Hz का देखने को जाता है। कंट्रास्ट रेशियो की बात किया जाए तो इसमें 50:1 का देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में HDR10+ का डिस्प्ले और डॉल्बी विजन HDR सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन की मैक्सिमम डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे 950 nits का देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, फोन की डिस्प्ले में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, डिस्प्ले काफ़ी नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल जाएगा। कलर एंड ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया रहेगा। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है, और इस स्मार्टफोन की स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हमें देखने को मिलेगी। अगर इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ का प्रोसेसर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों, गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहेगा। इस स्मार्टफोन में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि MIUI 13 स्क्रीन पर रन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल जाएगा। अगर इस फोन की कैमरा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे रियल कैमरा ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिल जाता है, जिसमें कि 64MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। यहाँ पे तो 8GB का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि सोनी IMX355 का सेंसर देखने को मिल जाता है। 2MP का माइक्रो लेंस भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोस्तों, फ्रंट में 32MP का कैमरा हमें देखने को जाता है, जिसमें कि सोनी IMX616 सेंसर देखने को जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हमें देखने को जाएगा। अगर इस फोन की कैमरा फीचर्स की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें हमें साइबर फोकस ह्यूमन आई ट्रैकिंग सिस्टम दिया गया है। इस स्मार्टफोन में शानदार पोर्ट्रेट फोटो के लिए नेटिव ब्यूटी पोर्ट्रेट 2.0 दिया गया है। साथ ही दोस्तों, फोन में मेकअप के लिए 4G लाइट चेसिंग ब्यूटी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 4500mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जो कि 55W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों, बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल जाएगा। अगर इस फोन की कनेक्टिविटी की बात करें तो ये स्मार्टफोन डुअल सिम को सपोर्ट करता है। 5G सपोर्ट इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC और USB Type-C पोर्ट इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। इसके साथ से दोस्तों, फोन में डुअल स्टीरियो देखने को मिलेगा, डॉल्बी एटमोस सपोर्ट स्पीकर देखने को मिलता है, लीनियर वाइब्रेशन मोटर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और IR ब्लास्टर जैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे। अगर इस फोन की प्राइस की बात किया जाए दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन चाइना में 3 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, जिसमें कि बेस वेरिएंट 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला होगा, जिसकी प्राइस लगभग 27,000 रुपये के आसपास में हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा वेरिएंट है दोस्तों, यहाँ पे 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला, जिसकी प्राइस 30,570 रुपये के आसपास में हमें देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन के दोस्तों, हाईएस्ट वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे 12GB रैम के साथ 256GB का इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन होगा, जिसकी प्राइस करीब 35,000 रुपये के आसपास में हमें देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन दोस्तों, हमें 4 कलर वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक, पिंक, ब्लू और सिल्वर कलर में होगा। तो दोस्तों, आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, इसके बारे में दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।